कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सालय में टैक्सी का प्रवेश बंद कर दिया गया है, लेकिन बाद में मरीजों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। टैक्सी चालकों को सिर्फ जिला चिकित्सालय के मेन गेट पर बाहर बनी पार्किंग रिंग पर ही जाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यदि कोई गंभीर मरीज आता है तो उसे 200 मीटर दूर कैसे अस्पताल ले जाया जाएगा। पार्किंग स्थल पर अस्पताल का कोई स्टाफ भी मौजूद नहीं होता जब मरीजों को अटेंड कर सके। अब सीरियस मरीज के साथ अगर कोई घटना घट जाती है तो इसका जवाबदार कौन होगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मरीजों के परिजनों ने जिला अस्पताल के CMHO के पास इसकी शिकायत भी की, लेकिन वहाँ से भी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ऑपरेशन बारे में टैक्सी नहीं आंदे रहे, मरीज का ले जा रंगा के ले जाओ तो चक्कर आ जाए गिर अंदर, मतलब टैक्सी नहीं आने दे रहे अस्पताल के भीतर रंगा के ले जाओ। क्यों नहीं आने दे रहे इसका बताया? सर हमका जाने नहीं जाने।